ऑस्मोटिक बिहेवियर ऑफ सेल, ऑस्मोटिक बिहेवियर ऑफ सेल के बारे में देखे हैं, तो एनिमल सेल और प्लांट सेल। तो देखो एक कंटेनर ले लो और इसमें सबसे पहले क्या करो, एनिमल सेल, एनिमल सेल एक डाल देते हैं। एनिमल सेल है तो इसमें सेल मेम्ब्रेन होगा, ये क्या होगा, सेल का मेम्ब्रेन, सेल वाल नहीं होता है। और अगर बाहर का कंसंट्रेशन जो है वो अगर हाइपोटोनिक कर दो, क्या, हाइपोटोनिक, तो गारंटी है अंदर का कंसंट्रेशन क्या होगा, हाइपरटोनिक होगा। अगर बाहर का कंसंट्रेशन कम कर दिया और अंदर का कंसंट्रेशन ज्यादा कर दिया, तो अब क्या होगा कि जब बाहर का कंसंट्रेशन कम तो बच्चों फ्री वाटर यहां क्या होगा, ज्यादा, अंदर क्या होगा, फ्री वाटर कम, तो वाटर का मूवमेंट अंदर होगा। और जब सेल के अंदर, सेल के अंदर सॉल्वेंट या वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट हो तो इसको बोलते हैं इंडो ऑस्मोसिस, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडो, इंडो मतलब क्या होता है, अंदर, और क्या हो रहा है, ऑस्मोसिस होके जा रहा है, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इंडो ऑस्मोसिस, इसको इंडो ऑस्मोसिस बोला जाता है। नहीं, अगर ऐसा करो कि यहां पे जो बात हम लोग करते हैं इंडो ऑस्मोसिस हुआ, अगर मैं इसका थोड़ा कंडीशन चेंज करूं, कंडीशन चेंज, मान लो ये एनिमल सेल ही है तो इसमें भी सेल मेम्ब्रेन, और इस बार क्या करो, बाहर हाइपरटोनिक कर दो और अंदर हाइपोटोनिक कर दो, तो क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलने लगेगा क्योंकि यहां फ्री वाटर क्या है, ज्यादा, और इधर क्या है, फ्री वाटर कम, तो इसको बोलता है यहां पे इग्जो ऑस्मोसिस। इग्जो मतलब क्या होता है, बाहर होके वाटर का, वाटर या सॉल्वेंट निकल रहा है और मेम्ब्रेन के थ्रू निकल रहा है, तो ये कहलाएगा इग्जो ऑस्मोसिस, और ये क्या कहलाएगा, इंडो ऑस्मोसिस। बच्चा इंडो ऑस्मोसिस अगर एनिमल सेल में होने लगे, नहीं, और खासकर मैं आरबीसी, अगर मैं इसको बोलूं कि यह आरबीसी है और अगर इंडो ऑस्मोसिस करवा दो, तो क्या होगा कि धीरे धीरे पानी आरबीसी के अंदर जाता चला जाएगा और आरबीसी रप्चर कर जाएगा, और आरबीसी रप्चर करेगा तो फिर दिक्कत करवा देगा। यही रीजन है कि हम लोगों को जो पानी चढ़ता है तो वो पानी नहीं चढ़ता है, वो स्लाइन चढ़ता है, स्लाइन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अगर इसी चीज को आइसोटोनिक बाहर में और अंदर दोनों का कंसंट्रेशन सेम कर देंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन कर देंगे, तो क्या होगा, नेट मूवमेंट जीरो होगा, तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन हम लोग का चढ़ता है, स्लाइन वाटर। और अगर इग्जो ऑस्मोसिस ज्यादा हो जाए एनिमल का, इग्जो ऑस्मोसिस ज्यादा हो जाए एनिमल सेल का, तो यह क्या होगा, सेल श्रिंक कर जाएगा। बच्चों मैं आप लोग को बता दूं, डायरिया के कंडीशन में, डायरिया कंडीशन में नॉर्मली क्या होता है कि पानी चढ़ाना पड़ता है, बोले तो स्लाइन चढ़ाना पड़ता है, उसके पीछे का रीजन यही है कि डायरिया कंडीशन में क्या होगा कि वाटर का लॉस होता है, और वाटर ही नहीं मिनरल्स भी लॉस होता है। हम लोग के बॉडी से या किसी भी लिविंग के बॉडी से अप्रॉक्स 12% या 12% से ज्यादा वाटर का अगर लॉस हो जाए तो वो जो लिविंग है वो डेड हो जाएगा, क्योंकि वाटर एसेंशियल चीज हो जाता है हम लोगों में। तो ये तो हो गया एनिमल सेल का बिहेवियर। थोड़ा सा प्लांट सेल के बिहेवियर के बारे में बात करें तो इधर प्लांट सेल, इस साइड प्लांट सेल, इधर तो ये तो एनिमल था, एनिमल सेल का ये ए और बी बताया, प्लांट सेल इधर, इसकी बात करें तो प्लांट सेल में क्या होगा कि सेल मेम्ब्रेन होगा, और सेल मेम्ब्रेन के बाहर क्या होता है, सेल वाल, सेल मेम्ब्रेन के बाहर होगा सेल वाल, प्लांट सेल में बाहर सेल वाल। अब अगर कंडीशन यहां कर दूं कि बाहर हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक, बाहर का कंसंट्रेशन कम और अंदर का पक्का हाइपर कर देंगे तो ज्यादा, तो बाहर फ्री वाटर क्या होगा, ज्यादा, अंदर फ्री वाटर क्या होगा, कम, तो जिसके कारण वाटर अंदर मूव करेगा, इंडो ऑस्मोसिस होगा, इसमें क्या होगा, इंडो ऑस्मोसिस होगा। बच्चा पानी घुसते जाएगा, घुसते जाएगा, घुसते जाएगा, और पानी घुसने के कारण, पानी घुसने के कारण ये पानी अंदर घुसा तो वाटर मॉलिक्यूल इस पे फोर्स लगाने लगेगा बाहर की ओर, और बाहर की ओर जब फोर्स लगाएगा तो ये मेम्ब्रेन जाके चिपक जाएगा, किससे, वाल से, ये मेम्ब्रेन क्या होगा, जाके वाल से चिपक जाएगा, और जब चिपका हुआ मेम्ब्रेन रहेगा तो इसी को हम लोग बोलते हैं टर्जिड सेल, टर्जिड, नॉर्मल सेल नॉर्मली टर्जिड होता है, नहीं तो टर्जिड सेल बोल देते हैं। लेकिन अगर अभी भी पानी घुस रहा है तो ये मेम्ब्रेन वाल पे फोर्स लगाने लगता है, तो मेम्ब्रेन के द्वारा सेल वाल पे लगने वाला फोर्स टर्जर प्रेशर कहलाता है, क्या होगा, टीपी, टर्जर प्रेशर। मेम्ब्रेन के द्वारा वाल पे इंडो ऑस्मोसिस होने के कारण मेम्ब्रेन के द्वारा वाल पे जो प्रेशर लगने लगता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, टर्जर प्रेशर। और बच्चों न्यूटन का थर्ड लॉ, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन भी होता है, तो अगर मेम्ब्रेन वाल पे फोर्स लगा रहा है, टर्जर प्रेशर की जो बात कर रहे हैं, तो वाल भी इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन देगा, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, वाल प्रेशर,
वाल प्रेशर, तो इसको काउंटर बैलेंस किए हुए रहेगा कौन, वाल प्रेशर, इधर से लगेगा क्या, वाल प्रेशर, ये जो है क्या है, वाल प्रेशर। तो टर्जिड सेल में टर्जर प्रेशर और वाल प्रेशर ऑलमोस्ट इक्वल होता है, तो ये चीज इसी कारण से प्लांट सेल रप्चर नहीं होता है। लेकिन अगर यहाँ पे कंडीशन थोड़ा चेंज कर दे, अगर थोड़ा सा यहाँ का कंडीशन चेंज कर दो आप, कि यहाँ पे प्लांट सेल ले लो तो सेल मेम्ब्रेन, और बाहर से इसका सेल वाल, प्लांट सेल में जो बात करें सेल मेम्ब्रेन की क्या बात करेंगे बाहर, तो सेल वाल। और अगर ये फुल्ली टर्जिड सेल है तो ये मेम्ब्रेन क्या होगा, सेल वाल में पहले से चिपका हुआ रहेगा, तो मैं ऐसा करता हूँ इसको चिपका के ही बना देता हूँ, नॉर्मल सेल, तो ये मान लो कि चिपका हुआ है। अब क्या करो कि बाहर का कंसंट्रेशन कर दो ज्यादा, अंदर का कंसंट्रेशन कर दो कम, बाहर जा कंसंट्रेशन ज्यादा मतलब क्या, हाइपर टोनिक, अंदर हाइपोटोनिक, तो क्या होगा, अंदर फ्री वाटर ज्यादा है बाहर फ्री वाटर कम है, और फ्री वाटर बाहर आ जाएगा क्योंकि ज्यादा हुआ फ्री वाटर से कम फ्री वाटर की ओर मूवमेंट करेगा और ये बाहर निकलने लगेगा, और जैसे ही वाटर बाहर निकला तो मेम्ब्रेन श्रिंक करने लगेगा, बच्चों वाल तो वहीं रह जाएगा लेकिन ये मेम्ब्रेन शुरू में इस तरह से श्रिंक करने लगेगा, कॉर्नर छूटना स्टार्ट कर देगा नहीं, और इसी को प्लाज्मोलाइट सेल बोलते हैं, इस प्लाज्मो लाइट सेल बोलते हैं, और ये धीरे धीरे श्रिंक होते चला जाएगा, और ज्यादा श्रिंक कर गया तो फिर लास्टली मारा जाएगा। तो ये है ऑस्मोटिक बिहेवियर ऑफ सेल।